Good evening, all of you. My name is Farida Khatoon. And my paper is written by Nomad Inc. And I am from Bihar, Arariya. And I am from the paper about the Bible. How do you हमारा विषय बाल विवाह पर है, पर अध्ययन करना और उसकी समस्याओं को जानना और किन किन कारणों से बाल विवाह होता है, यह प्रथा शुरू से चलती आ रही है या इसे बाद में लाया गया, अगर बाद में लाया गया है तो इसका क्या कारण है। जब भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में लागू हुआ, फिर भी बाल विवाह क्यों हो रहा है, क्या इसका कारण शिक्षा, जाति या गरीबी है। हम यह जानने की कोशिश किए कि सिर्फ करोड़ी समुदाय में ही बाल विवाह होता है या अन्य जाति के लोगों के साथ भी बाल विवाह होता है। क्या शिक्षित लोग भी इस प्रथा को मानते हैं? यदि मानते हैं तो क्यों? हम दोनों ने ये सब जानने के लिए अररिया जिला के 5 गांव में गए, जिनके नाम हैं हरियाबाड़ा, भाग मोहब्बत, समौन, मिर्जापुर, हासा। इन पांचों गांव में मिलाकर हमने 6 से 25 तक की उम्र की 32 लड़कियों से बात की, जिसमें 22 की शादी हो गई थी और 11 लड़की की 17 से कम उम्र में बाल विवाह हो गया। 16 से 20 तक की उम्र में से सिर्फ एक ऐसी लड़की थी जो अभी भी पढ़ाई कर रही थी। हमने अपने सर्वे में लड़कियों से पूछा स्कूल छोड़ने का क्या कारण था। 13 लड़कियों ने बताया कि वो स्कूल नहीं जाती थी क्योंकि उनको अकेले जाने में सेफ नहीं लगता। 44 लड़कियों ने बताया कि स्कूल नहीं जाने का वजह बाल विवाह था। हमने देखा कि 5 समुदाय में, जिसका नाम है नर समुदाय, करोड़ी समुदाय, कुरेरी समुदाय और बंजारा समुदाय, 5 समुदाय में से करोड़ी समुदाय ने मुझे सबसे ज्यादा बाल विवाह दिखा, इसलिए मैंने उसको चुना। हमारा पेपर अररिया जिला की इस करोड़ी समुदाय के बारे में है। उसका अपना पैसा है शहद और सिंदूर बेचना, बेचकर वह खुश रहते हैं और अपने बच्चों से भी वह यही काम कराते हैं। जब हमने माता पिता से बात की तो उन्होंने बताया कि जब लड़का लड़की जन्म लेते हैं तभी उसका रिश्ता तय कर दी जाती है, लड़का लड़की से उसकी सहमति नहीं ली जाती है। एक लड़की ने यह बताया कि उस छोटी सी उम्र में लड़कियों को यह भी नहीं पता रहता है कि शादी क्या है, तभी ही उसकी शादी जबरदस्ती कर दी जाती है। वो गुड्डा गुड्डी के खेल समझकर शादी कर ही लेती है। और कुछ लड़कियों ने यह भी कहा कि उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि आगे चल के उसकी जिंदगी पर बाल विवाह का अच्छा परिणाम नहीं होगा। बाल विवाह होने का सबसे बड़ा समस्या शिक्षा और पूर्वजों की प्रथा, परंपरा कहे या माता पिता की उल्टी सोच की वजह से लड़का लड़की को शादी के बंधन में बांध दिया जाता है, जिनकी उन्हें समझ भी नहीं होती। माता पिता का कहना है कि कम उम्र में शादी कर देना उचित है। इस समुदाय में लड़कियों को शिक्षा से वंचित किया जाता है और शिक्षा न होने के कारण उसकी शादी कम उम्र में ही कर दी जाती है, क्योंकि उन्हें लगता है लड़कियां पढ़ लिखकर खड़ा हो जाएगी और पढ़ लिख के आगे कुछ कर भी नहीं पाएगी। हमने चकरदा गांव में बाल विवाह की जानकारी हेतु इकट्ठा करने गए थे। एक जान पहचान महिला मिली, हमने उसे बताया कि हमको बाल विवाह के बारे में कुछ जानकारी चाहिए, तो उस महिला ने सबको बुलाकर हमारे साथ चर्चा ग्रुप में बैठी। एक लड़की ने बताया कि मेरी शादी 5 साल की उम्र में ही मेरे माता पिता ने कर दिए थे। मुझे पढ़ने लिखने का बहुत इच्छा था लेकिन मेरे परिवार वाले मेरी बात नहीं सुनी और मेरी जबरदस्ती शादी कर दी। उस लड़की ने यह भी बताया कि अभी मुझे बच्चा नहीं होता है तो ससुराल वाले गाली भी देते और पति मारते पीटते भी हैं। लड़की 12 साल की थी जिसको बच्चा नहीं हुआ, जिसका बाल विवाह हुआ था 5 साल की और पति मारते पीटते भी। दूसरी लड़की ने ये बताई कि माता पिता इसलिए शादी कर देते हैं क्योंकि कम उम्र में इसलिए शादी करते हैं क्योंकि वो लड़की लोग
भागकर शादी कर ली थी। हमने करोड़ी समुदाय की 10 लड़कियों से ग्रुप में बात की तो ग्रुप में से यह बात निकल के आई कि 10 से 10 का बाल विवाह हुआ था। हमने पूछा कि बाल विवाह क्यों होता है तो उन लड़कियों ने बताया कि हमारे समुदाय में कम उम्र में ही शादी किया जाता है। कुछ लड़कियों ने ये भी बताया कि हम लोगों के साथ जाति भेदभाव भी होता है, जैसे कि अगर हमारे बच्चे बड़े जाति के बच्चे के साथ खेलने के लिए जाते हैं तो उनके माता पिता उन्हें मार कर भगा देते हैं और कहते हैं कि तुम हम लोग के जूते साफ करने के लायक आए हो, ना कि हमारे बच्चे के साथ खेलने के लायक हो। और स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो हमारे बच्चों को नीचे बैठाते हैं और हमारे ही बच्चे से स्कूल की साफ सफाई कराते हैं। और हमारे जाति के मर्द लोग कहीं काम करने गांव में जाते हैं तो जैसे कि काम ईटा पत्थर बालू उठाने के लिए जाते हैं तो उसे काम भी करा लेते हैं और मतलब उसकी तनख्वाह भी नहीं देते उसे। जाति भेदभाव की वजह से करोड़ी समुदाय के बच्चों को शिक्षा नहीं मिलती है और ज्यादातर परिवार गरीबी के जाल में फंस कर रह जाते हैं। इन कारणों की वजह से परिवार वाले लड़कियों की जल्दी शादी कर देते हैं। हमारे रिसर्च से हमें लगा कि करोड़ी समुदाय में बाल विवाह होने का 3 मुख्य कारण था, गरीबी, पूर्वजों की प्रथा और परिवार के इज्जत के कारण। धन्यवाद।